हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद सीमा पर बंधवारी गांव के लोगों के लिए लैंडफिल बहुत बड़ा नासूर है। चुनावों के समय लैंडफिल राजनीतिक दलों के लिए गर्मा गर्म मुद्दा बन जाता है। बंधवारी लैंडफिल 2010 में बनाया गया था। धीरे धीरे ये इलाके में कचरा डंपिंग का प्रमुख केंद्र बन गया। अब यहाँ गुरुग्राम और फरीदाबाद से लाकर रोजाना 2000 टन से ज्यादा कचरा डंप किया जाता है। लोगों की शिकायत है कि लैंडफिल की वजह से उन्हें गंदा पानी, तरह तरह की बीमारियां और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। वो कहते हैं कि उनकी चिंताओं को लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है। बहुत ज्यादा गंदगी है, मक्खी, बदबू और धूल पूरे दिन उड़ती रहे और बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ। न तो खा पा रहे, ना बैठ पा रहे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कोई इसको ये लगा लो लेबर है, न खाना है, न रहना है, न मक्खी बदबू तो इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा बरसात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कहती है सरकार इसके बारे में कि कब तक हटेगा? कोई उम्मीद नहीं है अभी। प्रॉब्लम्स मैम यही होता है कि आप देखिए रोड से अभी आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कितनी गंदगी है और बारिश के टाइम में स्मेल, मक्खियाँ, मस्कीटोज इतने हो जाते हैं कि हमारे बंदों को बाहर खड़ा होना मुश्किल होता है। और इसके कारण हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि जितनी भी गंदगी बाहर रोड पे होती है, बारिश में वो सीधी अंदर आ जाती है। हमारा जो बाहर का जो पाइपलाइन है, जो वेस्ट पानी जाता है, वो पूरा ब्लॉकेज हो चुका है। सफाई वाला कोई ध्यान देता नहीं है इस तरफ। नगर निगम का आज तक मैंने कोई बंदा यहाँ पे आते हुए नहीं देखा है। अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। राज्य की सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों ने लैंडफिल को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। बीजेपी उम्मीदवार राव नरबीर सिंह का दावा है कि समस्या के समाधान के लिए मौजूदा सरकार की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। मशीनें लग रही है, काम चल रहा है, बहुत कूड़ा कम हुआ। आप देखो कई हजार टन कम हो गया। सेग्रीगेट कर रहे हैं और उसको सफाई कर रहे हैं, उसका हम खाद बना रहे हैं। हाँ, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कूड़ा हो गया था, लेकिन थोड़ी देर समय लगेगा उसको ठीक करने में। कांग्रेस उम्मीदवार वर्धन यादव ने बीजेपी के दावे को गलत बताया है। उन्होंने समस्या को दूर करने में नाकामी के लिए अधिकारियों की आलोचना की है और स्थायी समाधान का वादा किया है। आप यकीन मानिए, बंधवाड़ी के आसपास के गाँव में एक एक गाँव में कैंसर के पेशेंट्स की कितनी जो है भारी समस्या है। हर घर में कैंसर पहुँचता जा रहा है, तो इसको तो हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई काम नहीं किया। कॉरपोरेशन का अच्छा भला बजट है, 4000 करोड़ का बजट है, 550 करोड़ केवल सफाई का बजट है, तो उस बजट को केवल कागज़ों पर ना लगाएं। वेस्ट का सबसे पहले घर से कलेक्शन हो, कलेक्शन के बाद सिटी के बाहर उसका डिस्पोजल हो और सिटी के बाहर ही एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाए। 90 सीट वाली हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को एक ही दिन वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी।